जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं आपका साथी एजे आज किस वीडियो में बताने वाला हूं भारत के प्रमुख जलप्रपात। और अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जलप्रपात से रिलेटेड, वाटरफॉल से रिलेटेड क्वेश्चन का जो कलेक्शन किया हूं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो बिना समय व्यतीत करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सिमसा जलप्रपात, ऑप्शन बी होनेक्कल जलप्रपात, ऑप्शन सी कोटा स्लाम जलप्रपात और ऑप्शन डी जोग जलप्रपात। अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो इसका आंसर आप लोग जरूर से जरूर सोच ले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी जोग जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। ओके, इसके बाद अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व विख्यात जोग या गढ़सोपा किस राज्य में है? अब ये जोग जलप्रपात को गढ़सोपा जलप्रपात भी बोलते हैं, यह किस राज्य में है आपको बताना है। ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में और ऑप्शन डी केरला में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कर्नाटका में। विश्व विख्यात जोग जलप्रपात कहां पे है? कर्नाटका में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग या गढ़सोपा का नया नाम क्या है? जोग या गढ़सोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए सरदार पटेल जलप्रपात, ऑप्शन बी महात्मा गांधी जलप्रपात, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात और ऑप्शन डी इंदिरा गांधी जलप्रपात। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी महात्मा गांधी जलप्रपात। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अब देखिए, जोग जलप्रपात ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त एक लाइन बता रहा हूं। उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप जोग जलप्रपात अगर कभी आपसे पूछेगा किस नदी पे है तो गलती होने का संभावना बिल्कुल 0% रहेगा। आप लोग होली में एक लाइन सुने होंगे, जोगीरा सारा राडा, याद आ गया? जोगीरा सारा राडा मतलब जब भी जोग जलप्रपात आए आप शरावती नदी लगा दीजिए। किसी भी चीज को याद करने के लिए अगर हम अपने दैनिक जीवन से उसको जोड़ करके कोई चीज याद कर लेते हैं तो वो हमारे माइंड में परमानेंटली बैठ जाता है, हमारे टेम्पोररी नहीं, हमारे परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाता है। अब आपके सामने कभी भी यह जोग जलप्रपात क्वेश्चन आया कि जोग जलप्रपात किस नदी पे है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होगा, आप क्वेश्चन देखेंगे, मुस्कुराएंगे और जोगीरा सारा राडा याद आ जाएगा और आप सही लगा देंगे शरावती नदी पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? अब धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? एक शब्द आप याद रखिए, जैसे तलवार होता है धारदार होता है, धुआंधार धारदार, हम एक शब्द बोल रहे हैं धारदार, इसमें धार और दार, ठीक है, धार से नर्मदा आप याद रखिएगा। धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पे है। ठीक है, इसके बाद फिर इसी तरह से फिर वही है, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पे है? कपिलधारा भी नर्मदा नदी पे है। ठीक है, इसके बाद अब देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? अगर आपके सामने शिव समुद्रम जलप्रपात भी अब आएगा ना तो आप सोचेंगे नहीं, एकदम आप आराम से याद रखने की भी जरूरत नहीं, आराम से याद हो जाएगा। अब देखिए, सावन के महीने में शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, आप लोग भी गए होंगे। तो अगर आपको शिव समुद्रम जलप्रपात पूछे तो शिव जी का जब जल चढ़ाने जाते हैं तो कांवर लेकर के जाते हैं, है ना? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पे। तो इस तरह से याद करने का ये तरीका है, आप किसी चीज को अगर दैनिक जीवन से रिलेट करते हैं तो वो लंबे समय तक याद होता है। ठीक है,
उसके बाद है गोकक जलप्रपात किस नदी पे है, तो गोकक जलप्रपात जो है गोकक नदी पे है, इस पे तो कुछ है नहीं करना। इसके बाद हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी पे, ऑप्शन बी कावेरी नदी पे, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी पे और ऑप्शन डी नर्मदा नदी पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी पे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात के नाम से लोकप्रिय है, भारत का कौन सा जलप्रपात है जिसको नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, बड़का काना, चित्रकूट, रजत और केवटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है, ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी जमशेदपुर और ऑप्शन डी गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, ऑप्शन ए नवादा, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी कटिहार, ऑप्शन डी भागलपुर। तो इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नवादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहस्र जलप्रपात किस नदी पे स्थित, सॉरी कहां स्थित है, देहरादून में, मसूरी में, पंतनगर में और श्रीनगर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मसूरी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु डोंगमार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, गुरु डोंगमार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सिक्किम में। ठीक है, गुरु डोंगमार जलप्रपात कहां स्थित है, सिक्किम में। नेक्स्ट है भीमलत जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, भीमलत जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, यमुना, लूनी, सोन और मांगली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मांगली। भीम जलप्रपात जो है वो मांगली नदी पे स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, नागार्जुन सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, एपी, अरुणाचल प्रदेश नहीं समझ जाइएगा, एपी मतलब। कुचिकल जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, कुचिकल जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी वाराही, ऑप्शन सी शरावती और ऑप्शन डी नर्मदा। तो कुचिकल जलप्रपात जो है वो वाराही नदी पे है। ठीक है, नेक्स्ट है हडिंब जलप्रपात किस राज्य में है, हडिंब जलप्रपात किस राज्य में है, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है सप्तशृंगी जलप्रपात कहां स्थित है, सप्तशृंगी जलप्रपात कहां स्थित है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए महाराष्ट्र, सप्तशृंगी जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध सागर जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी मांडवी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मांडवी नदी पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूलिया जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, चौसे चूलिया, चौसे चंबल, याद रखना है चौसे चूलिया, चौसे चंबल। तो चूलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पे है और कहां पे है, तो ये राजस्थान में। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा जो ये जलप्रपात से रिलेटेड, वाटरफॉल से रिलेटेड जो क्वेश्चन का हमने कलेक्शन किया है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल हेल्पफुल लगता है कंपटीशन के लिए तो आप हमारे चैनल क्विज ऑफ द डे विद एजे को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जितने सारे दोस्तों तक हमारा ये चैनल पहुंचेगा उतना ही ज्यादा बेटर से बेटर कंटेंट लाने में मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।